पांच गेंदों पर पांच छक्के, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि केकेआर इस ऑलमोस्ट हाथ से गवाए हुए मैच को बचा ले जाएगा, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसको ये पूरी उम्मीद थी कि अभी भी यहाँ से मैच हाथ से निकला नहीं है, और वो थे रिंकू सिंह। इस वक्त हमारे साथ रिंकू सिंह है। रिंकू भाई, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई तो पहले आपको, जो आपने कारनामा किया अपनी बिल्कुल टीम के लिए। अच्छा, रिलीव करते हैं उस लास्ट ओवर को, है ना, कि जब आपके पास वो स्ट्राइक आई, क्या चल रहा था दिमाग में, और आपको ये लग रहा था कि यार अभी भी मैच गया नहीं है, हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं, ऐसी उम्मीद थी आपको? नहीं सर, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं। मुझे पता भी नहीं था कितने रन चाहिए थे उस टाइम। तो मैं मतलब मार तो चले, मैं थोड़ा अंदर से थोड़ा परेशान था। मतलब थोड़ा मैच वो हो गया था, तो मैं अंदर से मतलब यही सोच रहा था कि कोई बात नहीं। तो फिर मैंने बॉल मतलब छक्के लगते चले गए, और जब पता चली कि 2 बॉल में 10 चाहिए, तब मुझे पता चला कि कुछ हो सकता है मैच में। तो फिर वहां मैंने थोड़ा और तगड़ा बिलीव दिखाया, तो सर फिर मैच फिनिश कर दिया पूरे। बिल्कुल, वो बिलीफ ही है जो आपके काम आया। अच्छा, जब आप आ रहे थे तो नीतीश राणा का जो बैट है ना, उसकी क्या कहानी है? वो आपको मना कर रहे थे देने के लिए, लेकिन आपको उसी बैट से खेलना था, ये क्या है कहानी? नहीं भैया, नीतीश भाई के मतलब अच्छे बैट होते हैं काफी। वो मतलब बहुत बहुत अच्छे बैट होते हैं, जैसे मेरे भी अच्छे बैट हैं। मगर मेरे बैट से थोड़ा मतलब टूट गया था मेरा थोड़ा सा बैट, तो मैंने भैया का मंगा लिया। क्योंकि तो मतलब मैं यही सोच रहा था कि लास्ट लास्ट ईयर भी मैं उनकी बैट से खेला था, वो आई लास्ट इनिंग जो लखनऊ वाली इनिंग थी। तो मेरे वही दिमाग में चल रही थी, मैं भैया का बैट मंगाता हूँ, क्या पता कुछ और अच्छा हो जाए। बिल्कुल, और हम उम्मीद भी करेंगे कि अब अच्छा ही हो। अच्छा रिंकू, हर एक खिलाड़ी के जो है प्रोफेशनल करियर में बहुत सारा स्ट्रगल आता है, और आपके साथ भी बहुत सारा स्ट्रगल जुड़ा रहा है। वो वक्त भी आया था जब आपको अपने पिताजी के साथ सिलेंडर्स भी जो है डिलीवर करने पड़े थे, एक जॉब के लिए झाड़ू पोछे तक की बात आई थी, लेकिन सब पीछे छोड़ के अब आपने एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। कैसे देखते हैं आप अपनी जर्नी को? नहीं, मैं सर काफ़ी टफ थी जर्नी, क्योंकि बहुत टफ था मेरे लिए। क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आता, मतलब कुछ था ही नहीं। मतलब हमारे फैमिली के पास कुछ, आपको जैसे पता है मेरे पापा हॉक करते हैं, गैस सिलेंडर का काम करते हैं। तो वहाँ से आना इतना दूर तो काफ़ी टफ था मेरे लिए। क्योंकि आपको पता ही कि मुझे पहुँचे की जॉब मिल रही थी, वो बोल रहे थे कि सुबह लगा के चले आना, अगर मैं मना कर दिया था अपने घर वालों को। फिर वहाँ से अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर डाला था, और बहुत सारी मेहनत करी वहाँ से, और फिर यहाँ पर उस। अच्छा रिंकू भाई, एक दो चीज छोटी छोटी और हैं जो पूरे जितने आपके चाहने वाले हैं जो वो आपसे जानना चाहेंगे। पहली तो ये कि रिंकू सिंह का जब ऑक्शन हो रहा था, उस वक्त आप कहाँ पर थे, और आपको उम्मीद थी कि जितना पैसा आप सोच रहे हैं आप बेस प्राइस पे ही जाएंगे या उससे ज्यादा आपको मिल पाएगा? नहीं, मैंने सर इतना नहीं सोचा था कि 80 लाख में मतलब मेरी बिड होगी। सर बहुत ज़्यादा होते हैं 80 लाख, मतलब मेरी फैमिली ने इतना पैसा देगा नहीं कभी लाइफ में। हाँ, मेरी फैमिली, हम साथ में देख रहे थे बैठ के, और उस टाइम मतलब मैं फ़ोन में देख रहा था, फैमिली घर में देख रही थी। तो उस टाइम लाइट भी चली गई थी, तो फिर फ़ोन में देखा हमारी फैमिली ने। तो मतलब जब मैं 80 लाख में वो पिक हुआ, तो खुश थे पूरी फैमिली। बिल्कुल, और कल तो पूरा सेलिब्रेशन का जो है वो वक्त रहा होगा रिंकू और पूरी टीम के लिए। तो कैसे किया आपने सेलिब्रेट, और क्या नींद आई कि नहीं आई कल? नहीं, सर नींद तो आई थी, मतलब काफ़ी अच्छी नींद आई काफ़ी टाइम बाद। मतलब आई भी नहीं और अच्छी भी नींद आई, क्योंकि सर वही दिमाग में चल रहा था कि मतलब इतना अच्छा हुआ मैच, काफ़ी मेरा बेस्ट मैच था मेरी लाइफ का। तो वही सब दिमाग में चल रहे थे, छक्के थे सारे। दिमाग में सिर्फ छक्के चल रहे थे। अच्छा, हाँ शाहरुख खान से बात हुई आपकी कि नहीं हुई? हुई थी सर, सर का कॉल आया था, बात हुई थी सर, थोड़ी बहुत बात हुई थी। मतलब मैं वो इतनी करी नहीं थी, बात थोड़ा शर्म आ रही थी बात करने में। पठान वाला स्टेप तो नहीं किया आपने वहां पर उनके साथ? अच्छा नहीं, वो नहीं किया सर। रिंकू, आखिरी के कुछ सवाल, क्योंकि अब आप ओवरनाइट मतलब हर जगह कहां पे भी देख लो, रिंकू सिंह स्टार परफॉर्मर, इसी की बात हो रही है। रिंकू सिंह अब अपने आप को कैसे देख रहे हैं आगे चलते हुए, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ब्लू जर्सी पहने इंडिया के लिए खेले। आई एम श्योर आपका भी सपना वही है, लेकिन कैसे आप अब उसको अचीव करेंगे और कितने आप होपफुल हैं? नहीं सर, अब सारी सी चीज़ें सिंपल ही सर, जो जैसे मैं अभी करता आ रहा हूँ सिंपल, सारी चीज़ें वैसे ही कर रहा हूँ। जो मेरा वर्कआउट है, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, वही सिंपल है। हाँ सर, सबका सपना यही होता है कि इंडिया खेले, मेरा भी सपना यही है। पर जो मेरी बेसिक्स है वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, और देखते सर क्या होता है आगे। सर इनको आखिरी सवाल, आप जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, और साथ ही साथ अगर हम चंद्रकांत सर की बात की जाए, उनसे आपको कितनी असिस्टेंस मिली है अपनी बैटिंग के ऊपर में? नहीं, सर काफ़ी सर अच्छे कोच हैं, काफ़ी मतलब शुरू से, मतलब उन्होंने शुरू से स्टार्ट किया, जैसे ओल्ड स्कूल वाले होते हैं वैसे ही, मतलब सारी टाइम से उठना ये वो। तो काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ काम करके, मतलब कैंप में आए थे तो काफ़ी मज़ा आया था सर उनके साथ काम करके।
अच्छा, घर पे पापा से बात हुई और क्या आपने उनको बताया कि अब वो मुश्किल के दिन गुजर चुके हैं, अब आप चिंता मत करिए, आपका बेटा उस लायक हो गया है? हाँ सर, कल बात हुई थी मम्मी पापा से, वीडियो कॉल करी थी, मैं काफी खुश थे बहुत टाइम बाद, बहुत मतलब इसी का वेट कर रहे थे, मतलब घर वाले कुछ अलग हो, मतलब हटके हो कुछ, काफी खुश थे घर वाले। तो आखिरी सवाल रिंकू, क्या अब नए घर की तैयारी हो गई है? आप अपने मम्मी पापा को एक अच्छे से घर में शिफ्ट कराने के लिए तैयार हैं? नहीं, घर तो सर बन गया था सर पहले ही सर, मतलब जो पहले हम वहीं रहते थे, सरकारी क्वार्टर जो है वहीं रह, मम्मी पापा तो वहीं रहते हैं, मगर जो पूरी फैमिली उधर ही रहती है, नए वाले घर में सर। चलिए रिंकू, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह रनों की बरसात करते रहें, जो छक्के हैं वो इसी तरह लगाते रहें, और आपका जो सपना है भारतीय टीम की तरफ से खेलने का वो जल्द ही पूरा हो। थैंक यू जी सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।